અને મસૂરીના ભારતીય સિવિલ સર્વિસના આઈએએસ ટ્રેની અધિકારીઓ નર્મદા જિલ્લાના આદિજાતિ સમુદાયની જીવનશૈલી અને આજીવિકા અંગે શૈક્ષણિક પ્રવાસે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ડેડિયાપાડાના સામોટ અને ડુમખલ ગામમાં વસવાટ કરતા આદિજાતિ સમાજની જીવન જીવવાની ઉત્તમ શૈલીથી પ્રભાવિત થયા હતા. આદિવાસી બાળકો, વૃદ્ધો, મહિલાઓ, યુવાનો સાથે મુલાકાત કરીને ફોટો પડાવી યાદગીરી પણ બનાવી હતી. નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર શ્વેતા તેવતિયાએ આ ટ્રેની આઈએએસ સાથે બ્રીફિંગ સેશન યોજીને ઉત્સાહપૂર્વક કામગીરી કરવા પ્રોત્સાહિત કરીને શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી. ચૌદ ઓફિસર ટ્રેનીસ લવાસના સે દેટ ઇઝ લાલબહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડેમી ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન કે તરફ સે વિલેજ વિઝિટ કે લિયે સામોદ ઓર ધુમકુલિયે દો ગાંવ મે આયા હૈ ઓર જો મેરા અનુભવ રહા હૈ યહાં પે આગે કાફી અચ્છા રહા હૈ ક્યોંકિ ફર્સ્ટ ટાઈમ એસા હુઆ હૈ કે હમ ट्राइबल विलेज में ऑफिसर ट्रेनीज आए हैं, तो जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत किया, जिस तरह से हमारा परिचय हुआ उनके साथ, जिस तरह से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो काफी अच्छा फील हुआ. काफी नई चीजें हमें जानने मिली है उनके बारे में, जैसे कि उनका खान पान कैसा है, उनका रहनी मान कैसा है, उनके डांस प्रोग्राम के थ्रू उनके कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिली, और साथों साथ की गवर्नमेंट के जो सारे ये थे स्कीम्स वगैरह थे, कार्यक्रम थे, उसका कार्यक्रमों का और इन लोगों को कैसे फायदा हुआ उसके भी बारे में हमें काफी जानकारी मिली है. तो जब हम यहाँ पे आए तो सामोद में हमारा बहुत बड़ा वेलकम किया यहाँ के लोगों ने, तो बहुत हार्ट वार्मिंग था और बहुत अच्छा लगा हमें. और यहाँ पे डेवलपमेंट हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है. जैसे हम सोच के आए थे कि ट्राइबल विलेज है तो काफी बैकवर्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई है और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा, चाहे हेल्थ हो, स्कूल एजुकेशन हो, ट्राइबल स्कूल हो, तो ये काफी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफी अच्छा हमें लगा. लोगों ने कुछ अपने इश्यूज भी बताए हमें, जैसे कि पीएचसी थोड़ा दूर है, लेकिन फिर हमें पता चला कि यहाँ पे सब सेंटर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो लोगों के प्रॉब्लम्स सुने जा रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है. ये देख के और ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा.